Hello guys, welcome to Salt, Pepper and Magic. And today we are going to make this delicious and healthy हरा भरा कबाब. And इसमें जो हमने ingredients use करे हैं वो सब healthy use करे हैं, तो आप इसको बच्चों को खिला सकते हैं. बच्चों को बहुत पसंद आती है ये dish. And आप इसको as a starter भी serve कर सकते हैं. तो आइए बनाते हैं. हमने यहाँ एक बंच पालक लिया है जिसको हम boil कर लेंगे. हम यहाँ ले रहे हैं 3 टीस्पून ऑयल एंड 3 ग्रीन चिलीज. अब मैं इसमें हाफ कप कैप्सिकम ऐड कर रही हूँ. डाइस में काट लिए हैं मैंने हाफ कप बीन्स. एंड हाफ कप मटर. और इन सब सब्जियों को हमें सॉटे करना है 2 से 3 मिनट के लिए. और इसके बाद हम इसको एक ग्राइंडर में डालेंगे. हम इसमें अब पालक भी ऐड करेंगे जो हमने बॉईल करी थी. और इसमें हम एक अदरक का टुकड़ा भी डालेंगे. और इसके बाद हम इसको ग्राइंड कर लेंगे. अब हम इसमें ऐड करेंगे सोए का चूरा जो मैंने पहले से ही थोड़ा सा बॉईल करके इसको इसका पानी निचोड़ दिया था. इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 3 बॉइल्ड पोटैटोस. हाफ कप पनीर. एंड हाफ कप ब्रेड क्रम्ब. वन टीस्पून कोरिएंडर पाउडर. 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर. हाफ टीस्पून रेड चिली पाउडर. हाफ टीस्पून गरम मसाला. सॉल्ट. हाफ टीस्पून मैंगो पाउडर. 1 टीस्पून चाट मसाला. 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर. अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे. यहाँ हम ले रहे हैं 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर प्लस 1 टेबलस्पून राइस फ्लोर. और इसका हम एक बैटर बना लेंगे. अब हम कबाब बनाएंगे. आप कबाब को डिजायर शेप्स में बना सकते हैं या आप इसे स्टिक्स में भी लगा सकते हैं. मैं इसे राउंड शेप दे रही हूँ. और राउंड शेप देने के बाद मैं इसको डिप करूंगी जो हमने बैटर बनाया है उसमें. और उसके बाद मैं इसको ब्रेड क्रम्स में रोल करूंगी. ऐसे ही हम सारे कबाब्स रेडी कर लेंगे. और अब हम इसे फ्राई करेंगे. मैं इसे डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, मैं इसे शैलो फ्राई करूँगी. इन सारे कबाब्स को हम पलट पलट के अच्छे से सेक लेंगे जब तक इसमें कलर नहीं आ जाता. रेडी है हमारा हरा भरा कबाब. और आप इसको सर्व करते टाइम इसके ऊपर एक काजू लगा दीजिए. बहुत अच्छा दिखता है इससे ये.
और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है और ये वैसे भी बहुत हेल्दी होता है। आप इसे अपने किड्स को खिलाइए, गेस्ट को खिलाइए, उनको ये बहुत पसंद आएगा। एंड आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। हरा भरा कबाब को आप ग्रीन चटनी और ओनियन रिंग्स के साथ सर्व कर सकते हैं। गाइस, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड प्लीज़ डू शेयर योर एक्सपीरियंस विद माय रेसिपीज बिलो डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आई विल बी वेटिंग फॉर इट एंड विल सून मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।